अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया पवन न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। मलून राजा सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही राजा सिंह की हामियों ने किया हंगामा। बेगम बाजार में जबरदस्ती दुकानें बंद कराई, केसीआर का पुतला नजर आतिश किया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद सिटी पुलिस ने नफरत अंगेज गुस्ताखाना वीडियो बनाकर शहर के पुरअमन फिजा को खराब करने और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हुए हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले मामले के मुकदमात में मुर्तकिब पाए जाने पर आज पीडी एक्ट के तहत मलून राजा सिंह को उनके रिहाइश गाह से गिरफ्तार करके सख्त सिक्योरिटी के दरमियान चर्रापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया। मलून राजा सिंह की गिरफ्तारी की इत्तला के साथ ही मलून राजा सिंह के हामियां सड़कों पर निकल आए और एहतजाज करते हुए बेगम बाजार, अफजलगंज, महाराजगंज, किशनगंज, गोशा महल के अलावा दीगर इलाकों में जबरदस्ती नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए दुकानें बंद कराई। मलून राजा सिंह के हामियों की जारी गुंडागर्दी के वक्त मुतालिका पुलिस वहां पहुंचकर उन्हें रोकने और समझाने की कोशिश की, पर उन लोगों ने पुलिस की एक ना सुनी और राजा सिंह तुम संघर्ष करते रहो, हम तुम्हारे साथ है के नारे लगाते हुए जबरदस्ती दुकानें बंद कराई। इसके अलावा रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए के चंद्रशेखर राव का पुतला भी नजर आतिश किया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहर के अमन और अमान को बरकरार रखने की कोशिश करते हुए एहतियाती तदाबीर के तौर पर अफजलगंज, शाह इनायतगंज, बेगम बाजार और दीगर इलाकों में पुलिस स्पेशल फोर्स की भारी जमीयत तैनात कर दी और शहरियों से अपील की कि वो शहर के अमन और अमान को बरकरार रखने में उनका ताउन करें। आइए देखते हैं मीडिया पवन न्यूज़ की ये खसूसी रिपोर्ट में चंद मनाजिर। रामकृष्णा का नहीं उसकी दुकान बंद करा दे रहे लोग आप मिलके। बंद करो, बंद करो।